मुझे लंग कैंसर हुआ है स्टेज 4 का, और ये शरीर में फैलने वाला कैंसर, और इसके वजह से मुझे सांस की बहुत तकलीफ़ होने लग गई और शरीर में भी बहुत दर्द होने लग गया था, और डॉक्टरों ने तो उम्मीद छोड़ रखी थी। तब मैं ये डाइट, इनकी डिप डाइट फॉलो कर रही थी और योगा भी किया, धूप में भी बैठती हूँ, और उससे मुझे बहुत आराम है। मैं 7 महीने हो गए हैं मुझे करे हुए, और मैंने इनका YouTube में वीडियो देख के करा है। तो मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, पर मैं इससे 2-3 प्रश्न भी हैं मेरे आपसे। तो मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट गलत रहा है, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो क्या मैं इस डाइट में क्या क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ इसके अलावा? देखिए, हाँ, आप पहली बात तो उसकी चिंता मत कीजिए। द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो खाने का टाइमिंग है वही कीजिए जो मैंने बताया, 8 AM to 6 PM। सूर्य के साथ जब सनसेट हो जाता है उसके बाद कुछ भी मत खाइए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आप कर रहे हैं उसमें ये अगर ऐड कर देंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने लास्ट में बताया, दैट इज़ कॉल्ड 0 volt थेरेपी, मतलब धरती से जुड़ना, एक ऐसा बेडशीट बनाना जिसमें कॉपर वायर हो और वायर का एक छोर ज़मीन पे हो। अगर वो कैसे बनाना है, अगर आपको सीखना है, तो इधर ही हिम्स सेवियम का स्टॉल है पीछे, वहाँ दिखा देंगे आपको, वो घर पे ही बना सकते। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।